हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, ये जो व्लॉग है वो मंडे का व्लॉग है, मीन्स श्रावण सोमवार का। एक्चुअली यहाँ पर तैयारी चल रही थी श्रावण सोमवार की पूजा की, तो वही चल रहा है। और हाँ, मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों के बाद बात कर रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी आप लोगों को। आप लोग मिस कर रहे थे कि नहीं मुझे, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पर बारिश कंटिन्यू हो रही थी, उसकी वजह से नेटवर्क ही नहीं मिल पा रहा था। तो नेटवर्क की वजह से मैं कुछ दिन व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। उसके बाद एक दो दिन अद्विक की तबीयत ख़राब थी, तो मेरा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया। और व्लॉग बनाती भी तो अपलोड नहीं हो पाता, इसीलिए फिर मन ही नहीं कर रहा था। तो ऐसे कर करके व्लॉग भी नहीं बनाया, फिर अपलोड भी नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे करके फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था। हो जाता है, व्लॉग वगैरह करने का मन नहीं करता है। कभी कभी गैप वगैरह हो जाती है ना, तो फिर व्लॉगिंग करने का मन नहीं करता है। तो इसके बाद वैसे ही हुआ मेरे साथ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग घूमने गए। एक्चुअली घूमने का वहाँ पर, जहाँ पर हम लोग गए थे ना, बहुत ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने। वहाँ का व्लॉग आपके लिए आने वाला है, और इसके बाद ना अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए आने वाला है, तो उसका वेट करना। और एक्चुअली जन्माष्टमी का भी व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, तो जन्माष्टमी का व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई मैं, एडिट ही नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैं उसको एडिट करूँगी, व्लॉग अपलोड करूँगी आपके लिए। और जन्माष्टमी में भी थोड़ा सा अद्विक की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जन्माष्टमी अच्छे से मनाई मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों ने भी साथ दिया, मतलब बच्चे भी बहुत खुश थे जन्माष्टमी के टाइम पे। बट वो हो रहा था कि व्लॉग एडिट ही नहीं हो रहा था। उसके बाद घूमने के लिए गए थे, हो ही नहीं पा रहा था। और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने, जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए गए थे। एक्चुअली हम लोग 15 अगस्त के दिन गए थे घूमने के लिए, इनको छुट्टी थी इसी वजह से, मतलब ये झंडा वंदन करके आए थे। उसके बाद हम लोग घूमने के लिए गए थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। आप लोग देख लेना व्लॉग में, और आपको भी पसंद आने वाला है व्लॉग, तो वेट करना ज़रूर। और आप लोगों ने इतने दिन क्या किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, उन्होंने तो मुझे वहाँ पर बताया है कि वो लोग क्या कर रहे थे। एक्चुअली वो लोग मेरे पुराने व्लॉग्स देख रहे थे, जब तक मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किए थे तब तक वो पुराने व्लॉग देख के ही मुझे मिस कर रहे थे। कभी कभी हो जाता है ना कि व्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ, तब तक आप पुराने व्लॉग देख लिया करो, क्योंकि बहुत से लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं तो उन्होंने पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं। तो आप लोग पुराने व्लॉग देख के ही मुझे मिस किया करो, और मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एक्चुअली आदत हो गई है ना आप लोगों से बात करने की, तो वो होता है कि जब आपसे बात नहीं करती हूँ तो होता है कि ऐसे अधूरा अधूरा सा लगता है। फिर भी वो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आपको क्या बताओ, मतलब सभी जगह पे हो रही होगी ये बारिश। तो कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी बताया था कि हमारे यहाँ पे भी दी बारिश हो रही है, तो मुझे लगा कि यार ये सभी जगह पे ऐसी कंटिन्यू बारिश हो रही है। बट हमारे यहाँ पे तो वैसे भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो बारिश में तो और भी ज़्यादा नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम था कि आपको क्या बताऊँ, कि इंस्टा के मैसेज भी सेंड नहीं हो रहे थे। तो व्लॉग अपलोड करना तो दूर की बात है, और श्रावण सोमवार का एक भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ये श्रावण सोमवार का व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। और किस किस ने ये श्रावण में फास्ट रखा था ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जो हिंदी साइडर है उनके तो श्रावण ख़त्म भी हो गया होगा, बट हमारा अभी भी चल ही रहा है, बस एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा। और हमारे जो बाकी के फेस्टिवल है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि अभी हरतालिका है, तीज, हरतालिका तीज, और फिर उसके बाद गणपति है, और उसके बाद जो फेस्टिवल होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इसके बाद के जो महीने हैं उसमें त्यौहार ही त्यौहार है, मतलब दिवाली तक त्यौहार ही त्यौहार रहते हैं, तो दिवाली के बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं। गणपति के बाद गौरी भी आने वाली है, तो गौरी आप लोगों को पता ही है मेरे मायके और उधर होती है मेरे ससुराल में, तो ससुराल में जाना पड़ेगा गौरी के लिए। तो इसके बाद के ब्लॉग काफ़ी अच्छा आने वाले हैं। तो बस यहाँ पर बातें करते करते आप लोगों से पूजा भी हो गई है मेरी, और पूजा करने के बाद फिर आरती भी हो गई है। तो यहाँ पर अद्विक और माही आरती के लिए बैठे थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे, मतलब जैसे मैं कुछ करती हूँ ना तो उस टाइम वो आरती के लिए या पूजा के टाइम पे बैठ जाते हैं बच्चे, और मुझे हेल्प भी करते हैं बीच बीच में। तो इस तरह से हम लोग सारे पूजा करते हैं, और बस यहाँ पर पूजा हो गई है। और ये कुर्ती ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही थी यार मुझे पता नहीं था, पहले मैंने पहन ली बट उसके बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है ये, तो फिर मैंने निकाली भी नहीं। मैंने सोचा जान दो अभी मैंने पहनी ही है तो पहन लेती हुई है। तो इस तरह से मेरी पूजा हो गई है, आरती भी हो गई है अभी। इसके बाद तो बस इसके बाद लंच बनाने की तैयारी करूँगी। एक्चुअली आज फास्ट है तो सिंपल सा ही लंच बनने वाला है, तो जो लंच बनेगा मैं आपको दिखा दूँगी कि क्या बनने वाला है। तो बस इस तरह से होती है मेरी श्रावण सोमवार की पूजा। एक्चुअली आप लोग कैसे करते हो श्रावण सोमवार की पूजा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो महाराष्ट्रियन है, मराठी है, तो वो तो इसी तरह से करते होंगे, बट फिर भी थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है, तो थोड़े से डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाने के बाद फ़र्क पड़ ही जाता है।
एक्चुअली गाइज पूजा हो गई है और अभी मुझे बनाना है खाना। एक्चुअली इन्हें ड्यूटी जाना है तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना है। यहाँ पर मैंने उनके लिए चाय रख दिया है क्योंकि वो चाय ना लेके जाता है थर्मास में भर के ड्यूटी पर, मतलब जो उनके साथ में रहते हैं उनको भी देते हैं और खुद भी पीते हैं। एक्चुअली होटल वगैरह बंद है ना तो इसीलिए वो घर से ही चाय बना के लेके जाते हैं उनके लिए भी और खुद के लिए भी, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर चाय चढ़ा के रख दिया है। अभी थर्मास में भर के रख दूंगी, उसके बाद यहाँ पर अभी खाना बनाने की तैयारी करूँगी। इनके ड्यूटी का टाइम हो गया था और इतने जल्दी जल्दी में मैं क्या बनाऊँ तो समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया जो मूंग की बड़िया होती है उसकी सब्जी बनाई और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी उसके साथ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कढ़ी जैसा हो जाता है ना तो फिर इतना पता नहीं चलता है कि यार सिंपल सा खाना है, कढ़ी वगैरह रहती है तो थोड़ा सा खाना खाने में मज़ा आ जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ऐसे कुछ सिंपल सी सब्जी बनाती हूँ ना तो उसके साथ कढ़ी वगैरह बना लेती हूँ तो अच्छा लगता है। बस कढ़ी बनाने के लिए मैं तो आपको पता ही है कैसे बनाती हूँ कढ़ी, फिर भी जो न्यू सब्सक्राइबर है उनके लिए बता देती हूँ कि तेल डाला है उसमें मैंने, ऐड किया है थोड़ा सा मेथी दाना और उसमें मैंने ये क्या बोलते हैं तो हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है और उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन वगैरह डाल दिया था तो वो पेस्ट मैंने उसमें ऐड किया है। जब तक वहाँ पर वो होता है तब तक मैं ना यहाँ पर क्या करूँगी, एक मिक्सी के जार में वो मैंने दही ऐड कर दिया है, उसमें क्या बोलते हैं नमक और थोड़ा सा बेसन ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने तेल में ऐड किया है ये कड़ी पत्ता, तो ये घर का ही कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा छोटा सा पौधा है मेरे पास, उसका तोड़ के लाती हूँ मैं कभी कभी, तो ये है और बस थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है उसमें दही में और बेसन ऐड कर दूंगी और उसे मिक्सी में चला लूँगी तो वो अच्छे से फेंट जाएगा, तो बस तब तक हमारा ये मसाला भी हो जाएगा कढ़ाई में डाला हुआ। बस इसमें थोड़ा सा फिर हींग ऐड कर देना है तेल में ही और उसके बाद हल्दी ऐड कर देनी है और उसके बाद जो हमने फेटा हुआ दही है वो ऐड कर देना है इसमें और जो हमारा मिक्सचर है कढ़ी का वो रेडी हो जाएगा और उसके बाद उसे बॉयल होने देना है काफ़ी अच्छे से, मतलब काफ़ी देर तक बॉयल होने देना है, तब जाके आपकी जो कढ़ी है वो बहुत अच्छे से बनेगी और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस इसी तरह से डाल देना है आपको पानी, जितनी कढ़ी आपको पतली चाहिए उतना आपको पानी डाल देना है इसमें और इसे अच्छे से बॉईल होने देना है। इसका पहला उबाल आने तक, मतलब कढ़ी का पहला उबाल आने तक आपको इसे चलाते जाना है ताकि ये जो दही है आपका फटे ना इसीलिए, और उसके बाद एक बार उबाल आ जाए उसमें तो उसको अच्छे से बॉईल होने देना है और फिर उसके बाद थोड़ी सी टेस्ट के लिए आपको चीनी ऐड कर देनी है और आपकी जो कढ़ी है वो रेडी हो जाएगी यहाँ पर सर्व करने के लिए और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह से अगर आप बनाते हो। और यहाँ पर मैंने कुकर में मूंग की बड़ी की सब्जी बनाई थी, एक्चुअली कुकर में इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मुझे बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ा, इनको ड्यूटी जाना था इसीलिए, और यहाँ पर मूंग की सब्जी भी रेडी है, मतलब मूंग की बड़ियों की सब्जी, और बस यहाँ पर खाने के लिए हम लोग ले लेंगे अभी। और ये देखिए आप, मतलब जब कुकर में हम लोग बनाते हैं ना तो बहुत जल्दी बन जाती है, अगर आप कढ़ाई में इसे बनाते तो बहुत टाइम लगता ये मूंग की बड़ी की सब्जी बनाने के लिए, बट मैं कुकर में जल्दी से अगर मुझे बनाना हो तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है।
बस यहाँ पर खाना मेरा रेडी था और मुझे भगवान को भोग लगाना था, तो इसीलिए यहाँ पर वो प्लेट रेडी कर रही हूँ भगवान के भोग के लिए। बस ये सिंपल सा है आज का लंच। तो यहाँ पर कढ़ी है, मूंग की बड़ियों की सब्जी है, पापड़ मैंने भून लिया है और रोटी है। बस यही आज का लंच होगा हमारा। और ये पहले भगवान को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे और उसके बाद इनको जाना है ड्यूटी, तो ये ड्यूटी चले जाएंगे। बस लंच हो जाने के बाद ये ड्यूटी चले गए, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट की बच्चों ने और मैंने, और उसके बाद ये बन रही है मेरी शाम की चाय। तो आप भी आ जाइए चाय पीने मेरे साथ। और बस यहाँ पर चाय बन रही है, चाय पी लूँगी और डायरेक्ट मिलूँगी आपको डिनर के टाइम पे। तो यहाँ पर डिनर ना सिंपल सा बनाया था, डिनर भी बहुत सिंपल सा बनाया था आज। मुझे तो खाना नहीं था एक्चुअली, मेरा फास्ट था, तो ये बोल रहे थे कि दाल तड़का और जीरा राइस बना दो, तो यहाँ पर दाल तड़का और जीरा राइस बन गया था। एक्चुअली रात के खाने के लिए इनके लिए मैंने जीरा राइस और दाल तड़का बना दिया है और अपने लिए ना दूध गर्म कर लिया है। एक्चुअली मुझे फास्ट है तो मुझे खाना खाना नहीं था। माई बोल रही थी कि जीरा राइस और दाल तड़का ही बना दो मम्मा, तो मैंने सोचा चलो यही बना देते हैं, तो वही बनाया अभी। ये लोग डिनर कर लेंगे और मैं अपना दूध ले लूँगी। तो बस यही था आज का ब्लॉग। इस ब्लॉग आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।